रुख करेंगे हम बदीन का। बदीन में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी ने बदीन में एंट्री डाली है। बिलावल आज बदीन में रैली की क्यादत कर रही हैं। सिक्योरिटी और रैली के इंतजाम काफी सख्त हैं। आपको बताएं 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, स्पेशल कमांडोज भी पुलिस के तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। सीनियर वुजरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया है। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। काशिफ हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। काशिफ, हम देख सकते हैं काफी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं इस रैली में, इस्तकबाल किया गया है भरपूर तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी का बदीन में। जी बिल्कुल, ये वो मनाजिर हैं जो कि गुलाची शहर के हैं, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपको नजर आ रहे होंगे। जो अतराफ में खड़े हुए हैं, जो गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी का सुनकर मुख्तलिफ मकाम जो कि बदीन के हैं, मुख्तलिफ वो मकाम जहाँ पर बदीन के अतराफ के गाँव टाउन जहाँ से ये लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत बड़ी रैली की क्यादत करते हुए गुलाची से इस वक्त बदीन की तरफ रवा दवा है। शुरू में इब्तिदा में जब गुलाची शहर आया तो 1 किलोमीटर का जो मुफासला था वो बहुत तवील हो गया था और बहुत बड़ी तादाद में लोग होने की वजह से उसमें काफी टाइम लगा, पर अब जब हम गुलाची से बाहर निकले हैं तो बड़ी तादाद में जो है वो गाड़ियां मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो रवा दवा है बदीन की जानिब। बदीन हमसे कुछ मुफासले पर रह गया है, जहाँ से बताया ये जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बदीन शहर का मुकम्मल विजिट करेंगे, उसके बाद एक स्टेज का बनाई गई यहाँ पर एक ट्रक मौजूद है। तो ये बताइएगा कि काशिफ सिर्फ रैली की हद तक ही होगा आज का दौरा या यहाँ पर कुछ जलसा भी मुनक्कद किया गया है? जी बिल्कुल, ये जो जलसा है वो बिल्कुल बदीन चौक से कुछ मुफासले थे अल्लाह वाला चौक में चलाता है। ठीक है, रैली की क्यादत करेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते हैं।